फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप 2022-23 में अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आईटीआई का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कहां से ऐसे कैसे आपको ऑनलाइन करना है वो सारा जानकारी मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के पूरा अंत तक बने रहे फ्रेंड्स, ताकि आपको कैसे ऑनलाइन करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे सारा चीज एक एक करके स्टेप वाइज मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ ब्यूरर जो दिया हुआ है उसको आप देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको पीडीएफ कहाँ चाहिए वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको ओपन करना है cgiti.cgstate.gov.in। यहाँ आप देखेंगे तो टाइम टेबल फॉर एडमिशन एंड ऑनलाइन अप्लीकेशन, प्रवेश विज्ञापन नियम और प्रवेश विवरणिका। तो यहाँ विवरणिका जो है, विवरणिका में आप देख सकते हैं टोटल डिटेल दिया हुआ है। यहाँ कब से भरना है, कैसे भरना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, शुल्क कितना होगा और रजिस्ट्रेशन की जो विधि है वो कैसे करना है, वो सारा जानकारी यहाँ दिया हुआ है। और कौन कौन सा पाठ्यक्रम है, कितने दिनों की होती है, शैक्षणिक योग्यता किसके लिए कौन सी चाहिए, कितनी अवधि है, वो सारा चीज इसमें दिया हुआ है। और कहाँ कहाँ कौन से आपको जो उपलब्ध सीटें हैं उसके व्यवसायवार आपको यहाँ बताया गया है, उसके साथ साथ अवधि बताया गया है। यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ का यहाँ दिया हुआ है, जिसमें से आप कोई भी 10 जगह को, कोई भी 10 जो भी व्यवसाय है उसको चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस विज्ञापन पे देखें तो यहाँ देख सकते हैं जो विज्ञापन निकला हुआ है, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन 2022 पर आपको यहाँ क्लिक करके करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन जो यहाँ 2022 लिखा है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे लॉग इन न्यू रजिस्ट्रेशन एंड फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद यहाँ आपका नाम, तो चलिए मैं यहाँ नाम कर लेता हूँ, एंड जो मोबाइल नंबर है आप यहाँ मोबाइल नंबर भी डालेंगे। इसके बाद आपको पासवर्ड खुद से बनाना है फ्रेंड्स। वही सेम पासवर्ड आपको यहां फिर से रखना है। इसके बाद जो यहाँ कैप्चा हुआ है फ्रेंड्स, इस कैप्चा को आपको फिल करना है। तो हमारा कैपिटल जो कैपिटल में रहता है उसको कैपिटल, जो स्मॉल रहता है उसको स्मॉल में आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ मैंने पंजीयन पुरुष सीट के उपलब्ध जानकारी सुनिश्चित कर ली, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है एंड गेट ओटीपी के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ ओटीपी आ जाता है, उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है। तो चलिए यहाँ आ गया ओटीपी 8573। इसको हम यहाँ सबमिट कर देते हैं एंड प्रोसीड में ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ भुगतान के लिए बताया जा रहा है। अब यहाँ आपको मोबाइल नंबर फिर से वही डालना है। इसके बाद जो आप पासवर्ड बनाए थे उसको आपको, इसके बाद जो एक कैप्चा दिया हुआ इस कैप्चा को फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पढ़ लेना है प्रवेश से सामान्य, आई एक्सेप्ट करना है। इसको एक्सेप्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको पूरा डिटेल भरना है, जिसमें आप यहाँ देखेंगे बोर्ड जो आप 10th क्लास कौन से क्लास से उत्तीर्ण किए हैं, कौन से सेकेंड बोर्ड्स जो एजुकेशन होता है, तो हम CGBSE से करते हैं तो सबसे पहले ये, और कौन से ईयर में आप पास किए हैं तो चलिए 2022 हम कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ रोल नंबर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ रोल नंबर आपको फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ रोल नंबर करने के बाद यहाँ नीचे चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स पर सबको क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ गेट डिटेल कीजिएगा, तो गेट डिटेल करने के बाद पूरा डिटेल यहाँ आपका नीचे शो हो जाता है। शो होने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ हॉरिजॉन्टल में सेलेक्ट कुछ करना है तो कर सकते हैं। आप कौन से जिले का निवासी हैं उसको भी आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है,
तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी आपको फिल करना पड़ेगा। आप कौन सा आप बिलोंग करते हैं तो उसको भी आपको यहाँ फिल करना है फ्रेंड्स, फीमेल। आपका जिला कौन सा है, जिला भी, पिन कोड। धर्म यहाँ आ जाता है, कौन से क्षेत्र से हैं। इसके बाद फोटो फ्रेंड्स जो आपको 20 KB का आपको यहाँ फिलअप करना है तो यहाँ चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद यहाँ अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। फाइल का साइज 20 KB से कम इसलिए नहीं लिया है। चलिए फिर से चूज करते हैं हम यहाँ। इसके बाद यहाँ अपलोड के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या जो घूमने लगता है। अब यहाँ फोटो देख सकते हैं, आ गया फोटो। यहाँ फोटो अपलोड होने के बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखेंगे पेमेंट गेटवे दिया हुआ है, तो 1, 2 या CSE गेटवे आप किसी को भी कर सकते हैं। तो पेमेंट गेटवे आपको टोटल जो अमाउंट है 47.20 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ जो कैप्चा है उसको फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके आप डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो ओके कीजिए। इसको ओके करेंगे फ्रेंड्स तो ये अपना प्रोसेस होने लगता है। प्रोसेस होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको पेमेंट्स के लिए कार्ड्स का ऑप्शन पूछा जाएगा। तो नेट बैंकिंग या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI ID के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ UPI ID और पेयर नेम लिख दीजिए, इसके बाद पे नाउ कर दीजिए। तो चलिए इसको हम फिलअप कर लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स डिटेल सबमिट करने के बाद आपका यहाँ ट्रांजेक्शन जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ आपको एक ट्रांजेक्शन ID आ जाता है। इसके बाद यहाँ आपको गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो गो टू एप्लीकेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म होने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, कौन सा ITI चूज करना है, आप ऐसे करके 10 चूज कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, चलिए मैंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ सरगुजा कर लेते हूँ। सरगुजा करने के बाद यहाँ ITI बहुत सारे जो दिए हुए जिसमें सबसे पहले आप चॉइस देना चाहते हैं तो ITI सीतापुर। तो सीतापुर में आप कौन सा करना चाहते हैं तो कंप्यूटर, इसके बाद ऑपरेटर, 1 ईयर्स का ऑटोमेटिक इधर सेलेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद जो सेकेंड चॉइस होता है वो भी अगर हम उसी जिला में देना चाहते हैं तो सेकेंड ये हो गया। इसके बाद यहाँ सेकेंड में हम मैन पार्ट कर दिए, यहाँ भी कंप्यूटर ऑपरेटर। इस तरीके से आप अलग अलग ट्रेड भी चॉइस कर सकते हैं। तीसरा भी हम सरगुजा। तो फ्रेंड्स पूरे 10 को कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि समय काफी लगेगा। इसके बाद सबमिट की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी में फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ चेक बॉक्स दिया हुआ है आई एग्री में, इसके बाद आपको सबमिट करना है। यू कैन मॉडिफाई योर प्रेफरेंस, अगर आप एक बार आवंटन से पहले आवश्यकता होने पर अपनी प्राथमिकताओं को एक बार चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं करना है आगे बढ़ना चाहते तो ओके कर दीजिए। ओके करेंगे। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर लिया गया। आप यहाँ ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ प्रिंट अप्लीकेशन पे आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से हम एप्लीकेशन प्रिंट कर दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे एप्लीकेशन आपका प्रिंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसको आप यहां से प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां मैंने इसको PDF बना के सेव कर लेता हूं। सेव एस PDF, सेव। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चैनल कर ले सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव गुड डे। जय हिंद, जय भारत।